जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राठौर फैमिली ब्लॉग्स में ममता आपका स्वागत करती है। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसे हम घर की कुछ दो या तीन चीज़ों से ही बनाएंगे जो आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रखेंगे। एक कप दूध लिया है तो इसे डाल देंगे। दूध हमने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं क्योंकि हमें उसे गर्म ही करना है। आधा कप शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये माप बराबर है। एक चम्मच केसर वाला दूध डालेंगे, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एक चम्मच गरम दूध के अंदर हमने केसर के कुछ दागों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब लगातार चलाते हुए शक्कर को दूध के अंदर मिक्स करेंगे और दूध में एक उबाला आने देंगे। तो आप देख सकते हैं शक्कर दूध के अंदर एकदम अच्छी तरह से घुल गई है और दूध में उबाल आने लगा है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से दूध को बॉईल होने देंगे। फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही खोपरा पाक को सुंदर कलर देने के लिए कुछ बूंदे येलो फूड कलर की डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। फूड कलर को हमने 1 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके रख दिया था और अब इसे अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। तो दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, नारियल का बुरादा, और इसे मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम ही रहेगा और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। तो इसे पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं नारियल ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से खोपरा पाक के अंदर शाइनिंग आती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे, जब तक कि ये एक जगह पे इकट्ठा ना होने लगे या फिर कढ़ाई के सरफेस को छोड़ने ना लगे। तो आप देख सकते हैं नारियल को पकते हुए लगभग 4 मिनट होने जा रहे हैं और ये एक जगह पे इकट्ठा होने लगा है। तो इधर हम एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके प्लेट को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम खोपरा पाक इसके ऊपर जमाएंगे। आप चाहें तो यहाँ छोटी सी थाली या टीन, जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम अपना नारियल का मिक्स को डाल देंगे और उसे स्पैचुला से अच्छी तरह से फैला देंगे। आप खोपरा पाक की कितना मोटा या कितना पतला रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर। इसे हम स्क्वायर शेप से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो हमने इसे एकदम अच्छी तरह से फैला दिया है और अब इसे हम आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, खोपरा पाक एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है और इसे सुंदर दिखने के लिए हमने इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाया है। इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। खोपरा पाक रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक पीस को, आप देख सकते हैं
ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो इस दिवाली पे आप मेरी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कुक फ्राई पैक कैसा बना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।